हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेल फ्रेंड्स, ज्यादा पुरानी बात नहीं होगी कि आपके सब्जी वाले भैया, जो कि कुछ समय पहले तक यह नहीं जानते थे कि स्मार्टफोन क्या होता है, आज पेटीएम, गूगल पे और फोन पे जैसे एप्लीकेशन से पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं और वही कॉम्प्लिकेटेड लगने वाले डिजिटल पेमेंट सर्विसेज वो आसानी से यूज कर लेते हैं। और यह डिजिटल रिवॉल्यूशन इंडिया में पेटीएम लेकर आया है। वेल, दिस इज नॉट जस्ट योर वेजिटेबल वेंडर, आज हर कोई पेटीएम से पेमेंट एक्सेप्ट करता हुआ दिखता है। कैश नहीं है, पेटीएम कर दो, आज ये एक वर्ब बन चुका है और आम तौर पर हर इंडियन इसे यूज करता हुआ दिखता है। सो फ्रेंड्स, आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम पेटीएम आईपीओ का इन डेप्थ रिव्यू करने जा रहे हैं। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन का 18,300 करोड़ का इशू ओपन होने जा रहा है नवंबर 8 को, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। इससे पहले कोल इंडिया 15,200 करोड़ का आईपीओ लेकर आई थी इन द ईयर 2010। बट बिफोर वी जंप टू द आईपीओ एनालिसिस, आई रिक्वेस्ट एवरीवन ऑफ यू टू डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन, सो दैट आईपीओ और मार्केट से रिलेटेड सारी जानकारी और रिसर्च आपको टाइमली मिल सके और आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। सो फ्रेंड्स, आईपीओ में अप्लाई करने का सबसे आसान तरीका होता है डीमैट अकाउंट के थ्रू, जो कि ऑनलाइन ओपन हो जाता है और पेमेंट यूपीआई के थ्रू हो जाता है। नाउ आईपीओ में अप्लाई करें कैसे, तो इसका सिंपल प्रोसेस आप हमारे इस वीडियो में देख सकते हैं। और डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको लिंक अवेलेबल है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, थ्रू विच यू कैन ओपन योर डीमैट अकाउंट जस्ट इन फ्यू मिनट्स। क्या है, क्या काम करती है और इनके बिजनेस डिविजन क्या है? पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन इनकॉर्पोरेट हुई है इन द ईयर 2000 में बाय मिस्टर विजय शेखर शर्मा। इन द ईयर 2009 में कंपनी ने अपने पहला डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया विद द नेम कॉल्ड पेटीएम मोबाइल एप्लीकेशन। ये इंडिया का सबसे ज्यादा यूज होने वाला और सबसे ज्यादा पॉपुलर डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन है। आई एम श्योर आप में से सभी लोगों के पास पेटीएम एप्लीकेशन होगा एंड फॉर दैट रीजन ओनली ये इंडिया का लीडिंग डिजिटल इकोसिस्टम है फॉर द कस्टमर्स एंड इवन फॉर द मर्चेंट्स। 197 कम्युनिकेशन डिजिटल पेमेंट सर्विसेज के अलावा और भी काफी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे पेटीएम मॉल फॉर द ऑनलाइन शॉपिंग, पेटीएम मनी फॉर द इन्वेस्टमेंट्स इन द स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स एंड ईटीएफ्स, पेटीएम गोल्ड फॉर द डिजिटल इन्वेस्टमेंट्स इन गोल्ड, पेटीएम ट्रैवल फॉर द ऑनलाइन टिकट बुकिंग ऑफ ट्रैवल एंड फॉर द मूवीज, पेटीएम वॉलेट बिल पेमेंट्स एंड फास्टैग फॉर द ऑटोमेटिक टोल पेमेंट्स। वहीं पेटीएम की पेटीएम पेमेंट बैंक है जिसमें पेटीएम का अराउंड 49% स्टेक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम नंबर्स। पेटीएम के प्लेटफॉर्म पर श्रीलंका, नीदरलैंड और बेल्जियम कंट्री की पॉपुलेशन से ज्यादा मर्चेंट्स है, दैट इज इन टोटल 2.2 करोड़, वेयर एज ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और घाना जैसी कंट्रीज की पॉपुलेशन से ज्यादा कस्टमर्स है, दैट इज टोटल 33.3 करोड़ एज ऑन जून 2021। इनके सभी मर्चेंट्स का टोटल वॉल्यूम मिलाकर 4 लाख करोड़ के ऊपर है एज ऑन फाइनेंशियल ईयर 21। मोबाइल पेमेंट ट्रांजैक्शन में कंपनी मोर देन 45% का मार्केट शेयर एंजॉय करती है, वहीं वॉलेट पेमेंट ट्रांजैक्शन में कंपनी 65-70% तक का मार्केट शेयर एंजॉय करती भी दिखती है। पेटीएम का 6.4 करोड़ का टोटल पेमेंट अकाउंट, 65 लाख से ज्यादा के लोन डिसबर्समेंट और 5,831 करोड़ से ज्यादा का डिपॉजिट है एज ऑन फाइनेंशियल ईयर 2021। पेटीएम में रिनोन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे बाक्शे हैथवे जो कि वॉरेन बफे की कंपनी है, चाइना का अलीबाबा ग्रुप, एंड फाइनेंशियल्स जो कि चाइना में अली पे चलाते हैं, वेर इज सॉफ्ट बैंक और सेफ पार्टनर्स भी इनमें शामिल हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइना का एंड फाइनेंशियल ग्रुप इनका सबसे बड़ा शेयर होल्डर है विद द स्टेक ऑफ 30%। तो चलिए अब बात करते हैं कि कंपनी फंड्स रेस क्यों कर रही है। एक निवेशक के रूप में हमारे लिए जानना जरूरी है कि कंपनी जो पैसा हमसे रेस कर रही है उसका यूटिलाइजेशन कैसे करेगी, कितना कंपनी की ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट्स के लिए यूज होगा और कितना पैसा कंपनी के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स लेकर बाहर हो जाएंगे।
सो कंपनी टोटल 18,300 करोड़ रुपए का इशू लेकर आ रही है। इसमें से 8,300 करोड़ रुपया कंपनी के बिजनेस डेवलपमेंट के लिए यूज होगा और वहीं 10,000 करोड़ रुपए का अर्ली इन्वेस्टर्स एग्जिट लेते हुए दिखेंगे, जिसका पैसा उनके अकाउंट में जाता हुआ दिखेगा। आउट ऑफ 8,300 करोड़ रुपया कंपनी 4,300 करोड़ रुपया अपने इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने, अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को रिटेन करने और न्यू कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए यूज करेगी। वहीं 2,000 करोड़ रुपया कंपनी न्यू एक्विजिशन, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और मर्चेंट एक्विजिशन के लिए यूज करेगी। रेस्ट अमाउंट कंपनी अपने जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए यूज करना चाहेगी। तो चलिए अब कुछ भविष्यवाणी कर लेते हैं। ड्यू टू द सुपर फास्ट रेट ऑफ डिजिटलाइजेशन इन इंडिया, इट इज एक्सपेक्टेड कि सन 2026 तक इंडिया में इंटरनेट के 100 करोड़ से ज्यादा के यूजर्स होंगे। वहीं मोबाइल पेमेंट मार्केट जो है वो 3 ट्रिलियन तक बढ़ता हुआ दिखेगा, जो कि एग्जिस्टिंग से 5 गुना ज्यादा है। वहीं कंज्यूमर टू मर्चेंट पेमेंट भी बढ़ते हुए दिखेंगे करीब 8 टाइम्स, और वहीं टोटल वैल्यू पेमेंट एक्सपेक्टेड बाय मर्चेंट बैंकर्स भी 4 गुना बढ़ता हुआ दिखेगा अप टू द 1.14 ट्रिलियन, और इन सभी का फायदा आते हुए दिखेगा पेटीएम जैसे कंपनी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंपनीज फाइनेंशियल्स। 197 कम्युनिकेशन पेटीएम का रेवेन्यू मेजर 3 वर्टिकल से आते हुए दिखते हैं। फर्स्ट इज देयर पेमेंट सर्विसेज, सेकंड इज देयर फाइनेंशियल सर्विसेज एंड द थर्ड इज देयर कमर्शियल एंड क्लाउड सर्विसेज। अंडर कमर्शियल एंड क्लाउड सर्विसेज इनके टिकट बुकिंग और ई कॉमर्स सेगमेंट आते हैं बिजनेस वर्टिकल्स, वेयर इज मर्चेंट को दिए हुए सॉफ्टवेयर, देयर क्लाउड एंड एडवर्टाइजिंग सर्विसेज भी इन्हीं सेगमेंट्स में आते हुए दिखते हैं। इनमें से पेमेंट और फाइनेंशियल रेवेन्यू दोनों मिलाकर टोटल 70% का कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू में करते हुए दिखते हैं। वहीं कंपनी का B2B बिजनेस तेजी से ग्रो हो रहा है, लेकिन इनके B2C बिजनेस और फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस में पिछले 2 साल में हमने गिरावट नोटिस की है। वहीं कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यू की अगर बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू 2019 से 2020 में 1.09% से डिक्लाइन होता हुआ दिखा है। वहीं फ्रॉम द ईयर 2020 टू 2021 10% से ज्यादा डिक्लाइन होते हुए दिखा है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। अब बात करते हैं कंपनी के अदर फाइनेंशियल ट्रेंड्स की। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, कंपनी के टोटल एसेट्स इन द ईयर 2019 थे 8,766 करोड़, जो कि बढ़कर 10,303 करोड़ दिखे इन द ईयर 2020, और 2020 में ये गिरकर 9,151 करोड़ हुए। वहीं टोटल रेवेन्यू की अभी हमने बात की, जहां ये 2019 में 3,579 करोड़ थे, जो कि गिरकर 140 करोड़ हुए, जो कि 2021 में गिरकर 3,186 करोड़ हुए, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। वहीं अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी लॉसेस कर रही है, हालांकि ये लॉसेस में हमने डिक्लाइन देखा है। अगर कंपनी के लॉसेस देखें तो इन द ईयर 2019 ये थे 4,230 करोड़ रुपया, इन द ईयर 2020 ये डिक्लाइन होकर 2,942 करोड़ हुए, और इन द ईयर 2021 1,701 करोड़ हुए। हालांकि मैनेजमेंट अपने इंटरव्यूज में भी यह बोल रही है कि कंपनी का फोकस अभी प्रॉफिटेबिलिटी पर नहीं है। Now let's talk about the issue details. As you can see on the screen, the issue details of Paytm IPO, जहां Paytm IPO का प्राइस बैंड है लोअर बैंड 2,080 रुपया एंड द अपर बैंड इज 2,150 रुपया। इसका फेस वैल्यू पर शेयर है ₹1। वहीं कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,39,379 करोड़ रुपया। वहीं मार्केट लॉट है मिनिमम 6 शेयर्स का। इशू ओपन होने जा रहा है November 8th को और क्लोज होगा November 10th को। इसकी लिस्टिंग दोनों ही मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस NSE और BSE पर अवेलेबल हो गई। अब बात करते हैं इशू के ब्रेकअप की। तो इसका इशू ब्रेकअप नॉर्मल इशू ब्रेकअप है, जहां NIB का पोर्शन है 15%, QIB पोर्शन 75% और रिटेल पोर्शन 10% है। तो जी हाँ, चिंता मत कीजिए, मैं वैल्यूएशन पर ही आ रही हूँ। सो लेट्स टॉक अबाउट द कंपनी वैल्यूएशन एंड द रिकमेंडेशन ऑफ आर्यहंत। सो कंपनी की अगर वैल्यूएशन की बात करें तो अपर प्राइस बैंड 2150 पर कंपनी अपने आप को वैल्यू कर रही है प्राइस टू बुक वैल्यू ऑफ 21.33 टाइम्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 21। वहीं कंपनी अपने शेयर्स इशू कर रही है 2080 से 2150 के प्राइस बैंड में, जहां कंपनी अपना वैल्यूएशन करना चाह रही है 52,574 करोड़ रुपया।
क्योंकि कंपनी अभी लॉसेस में है तो पीई एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पर रेवेन्यू मल्टीपल अप्रोच ज्यादा रिलेवेंट होता है। कंपनी ने इन द ईयर फाइनेंशियल ईयर 2021 में कुछ फंड रेज किया था। अगर उससे कंपेयर किया जाए तो उस समय कंपनी का रेवेन्यू मल्टीपल था अराउंड 37.18, वेयर एज अभी कंपनी डिमांड कर रही है 36.76 का रेवेन्यू मल्टीपल, जो कि लगभग सेम ही है। लेकिन हमने ये देखा है कि अभी जितने भी यूनिकॉर्न आईपीओ आए हैं, चाहे हम बात करें नायका की, वेदर पॉलिसी बाजार की या जोमेटो की, इन सभी ने हायर वैल्यूएशन कमांड किए हैं। बट इन सभी में अगर देखें तो पेटीएम का रेवेन्यू मल्टीपल सबसे हाई है। इसमें कोई शक नहीं कि पेटीएम एक लार्जेस्ट पेमेंट कंपनी है, बट पिछले 3 साल में इनके रेवेन्यू स्टेटिक दिखे हैं। वहीं कंपनी ह्यूज लॉसेस कैरी फॉरवर्ड कर रही है और इनकी नेगेटिव अर्निंग्स भी हैं। फर्दर आफ्टर कोविड अगर हम देखें तो सिस्टम में कैश आता हुआ दिख रहा है, तो आगे चलते हुए इनके रेवेन्यूज जो है वो डिक्लाइन होते हुए दिख सकते हैं। वहीं एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर गूगल पे जैसे बड़े कॉम्पिटिटर्स मार्केट में हैं, जो इन्हें कट ऑफ कॉम्पिटिशन आगे देते हुए दिखेंगे। पेटीएम आईपीओ के अनाउंसमेंट के बाद भी कंपनी के की ऑफिशियल्स रिजाइन करते हुए दिखे। कंपनी के प्रेसिडेंट मिस्टर अमित नायर ने जुलाई में रिजाइन किया। वहीं इनके चीफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर मिस्टर रोहित ठाकुर भी रिजाइन करते हुए दिखे और इनके हेड ऑफ मार्केटिंग मिस्टर जसकरण सिंह जी फरवरी 2021 में रिजाइन करते हुए दिखे, जो कि एक वरीसम साइन है। मौजूदा कंडीशंस को देखते हुए भी इट सीम्स डिफिकल्ट कि कंपनी नियर टर्म प्रॉफिटेबल हो सके। वहीं यूनिकॉर्न आईपीओ की तरफ इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट चेंज होते हुए दिखा है। कीपिंग दैट इन माइंड, एट अरिहन कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड वी आर रिकमेंडिंग टू सब्सक्राइब फॉर द लिस्टिंग गेन्स। हाई रिस्क इन्वेस्टर्स इस आईपीओ में निवेश कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म होराइजन। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द पेटीएम आईपीओ। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।